नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे येलो किचन में बिना चीनी बिना गुड़ के एकदम हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू बनने वाला है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाने के लिए पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। जैसे यहाँ मैंने एक कप बादाम लिया है, उसे हल्की धीमी आंच पर रोस्ट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से रोस्ट करके हो गया है। फिर हम एक कप काजू ले लेंगे, उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब उसमें से अच्छी स्मेल आने लगे, यानी वो भून चुका है, फिर मैं यहाँ पर एक बड़ा बाउल लगभग 50 ग्राम मैंने मखाना लिया है, उसे भी धीमी आँच पर कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। देखिए, ये भी हो गया, इसे हम साइड में रख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच खसखस ली हूँ। खसखस को भी एकदम धीमी आंच पे रोस्ट करिएगा, नहीं तो तेज़ आंच करेंगे खसखस जल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे मस्क मेलन का बीज ले ली हूँ और इसे भी हल्की आंच पे एकदम रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने पम्पकिन का बीज लिया है, मगज जिसे बोलते हैं, उसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए, इस तरह से हमारे कुछ ड्राई फ्रूट भून करके रेडी हो गए। इसे अब हम ठंडा होने के लिए साइड में निकाल करके रख देंगे। तो चलिए, अब मैं कढ़ाई में लगभग 3 बड़े चम्मच इसमें मैं देसी घी डालूंगी। अब सोचेंगे देसी घी क्या होगा भाई। देसी घी में हम यहाँ मैंने 50 ग्राम डिंक लिया है, इसे हम अच्छी तरह से उसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये जैसे मकई होता है उसी तरह से ये फूल जाता है। इसे कहीं कहीं डिंक बोलते हैं, कहीं कहीं इसे गोंद भी बोलते हैं। नॉर्थ साइड में इसे गोंद बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे डिंक बोलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लावा के जैसे ये फूल जाएगा। हमें धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, अंदर की तरफ लावा कच्चा रह जाएगा तो खाते समय दांत में लगेगा, इसलिए इसे हल्की आँच पर हमें रोस्ट कर लेना है। लीजिए, रोस्ट करके हो भी गया, तो ये अभी गर्म है, हाथ से इसको हम क्रश नहीं कर सकते। किसी भी ग्लास से, ग्लास के पेंदे से या लोटी के पेंदे से, या मेरे पास स्मैशर है उससे मैं इसको क्रश कर ले रही हूँ। क्रश करके हमारा डिंक हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे, इसका हम यूज़ बाद में करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ड्राई फ्रूट है, यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो मैंने यहाँ पे बारीक काट काट करके देखिए खजूर ले ली हूँ। यहाँ देखिए, ये खजूर है, मुनक्का खजूर, और यहाँ अंजीर है। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है, बाद में इसे मिक्सर ग्राइंडर पीसूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मखाना पीस कर ले ली, और यहाँ पे अपना पम्पकिन सीड और मस्क मेलन सीड को मैं एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में रवा जैसा दरदरा पीस लूंगी फटाफट। देखिए, पीस करके हो गया है। अब इसमें मैं बादाम पीस करके डाल दूंगी जो भून के रखा हुआ था। उसके बाद काजू पीस करके डाल दूंगी। इस तरह से हमें सभी चीज़ों को हल्का दरदरा पीस लेना है, ज़्यादा पाउडर जैसा बारीक नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, मैंने मुनक्का को भी मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मोड पे पीस लिया है। उसके बाद खजूर जो मैं 500 ग्राम काट कर रखी थी, उसे भी पल्स मोड पे एकदम थोड़ा सा पीस लेंगे, और इसे संभाल कर पीसिएगा, नहीं तो ब्लेड टूटने का डर होता है। उसके बाद अंजीर को भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है, थोड़ा सा मतलब क्रश कर लिया है कहिए, या दरदरा पीस लिए हैं। अब हम इसमें ड्राई डेट्स का पाउडर यानी खारिक पाउडर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है। मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं ली हूँ, क्योंकि उसके तेल जो पूरे निकले हुए होते हैं, यहाँ जो वाटी आती वो काट कर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीसा हुआ कोकोनट ले रही हूँ। उसके बाद इसे मैं एकदम टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं इलायची पाउडर मिला दूँगी 1 बड़े चम्मच, और जो हमारा डिंक जो है लावा, जो डिंक का लावा है उसे हम क्रश करके रखे थे, वो भी डाल देंगे। अब आती है बारी मेहनत की। अब हमें इसमें पहले मेहनत हमें लगाना है। मेहनत क्या है भाई, कि इसे हमें अच्छी तरह से पूरे मतलब खजूर में, और जो हमारा मुनक्का है, जो हमारा अंजीर है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट जो पाउडर रूप में बने हुए हैं, सब एकदम एक सार हो जाए। क्योंकि इसमें हम चीनी और गुड़ का उपयोग, चाशनी का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यानी खजूर के बेस पे हम इसे बना रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पॉपी सीड। ये मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। देख लीजिए, अब वो सब चीज़ें हमारा डालकर हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मस लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों,
ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाते समय यही हमारी असली मेहनत लगती है उसको मिलाने में। देखिए अच्छी तरह से ये बन रहा है, बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है, एकदम परफेक्ट मिला हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह से लड्डू जैसा बांध लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ मैं एक हाथ से बांध रही हूँ, लेकिन जिन्हें प्रैक्टिस होती है वो दोनों हाथ से फटाफट लड्डू बनाते हैं। इस तरह से हमें सारे लड्डुओं को जो है छोटा बड़ा जैसा आप पसंद करते हो बांध लीजिए। यहाँ मैं नींबू के आकार का छोटा छोटा साइज़ का बना रही हूँ। देखिए लड्डू हमारे बंध कर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे ज़रा थाली में सजाऊँगी, क्योंकि जब सजा कर देखेंगे तो और मन खुश हो जाएगा और अच्छा लगेगा। देखिए कितना टेस्टी लड्डू बना हुआ है हमारा। टेस्टी देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी जाहिर है बहुत ही टेस्टी होगा। अगर दिन में आप इसे सुबह एक लड्डू खाकर और एक ग्लास दूध पी लिए तो समझ लीजिए दिन भर आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, दिन भर आपको काम करने की एनर्जी मिलेगी, बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना अच्छा कितना खुशखुशी लड्डू तैयार हुआ है हमारा। देखिए बिना चीनी बिना गुड़ के एकदम हेल्दी लड्डू है। तो दोस्तों आप भी इस लड्डू को बनाइए, खाइए, खिलाइए और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए।